हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट को पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के रूल्स बताने जा रही हूँ इससे पहले हमने सी एफ करने के रूल्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करते हैं उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है इस सबको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म एनथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस तरह से लिखा जाता है डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस एन सो ऑन ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू यहाँ पर ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन एट्सेट्रा ये कॉन्स्टेंट्स हैं और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है अब हम जानते हैं कि अगर इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्यू इज इक्वल टू जीरो हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी एफ होता है जहां सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिनोट करता है और अगर क्यू फंक्शन ऑफ x हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाती है और इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी से दिया जाता है जहां पर pi आई पर्टिकुलर इंटीग्रल को शो करता है अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इसे हम इ एक्स फॉर्म भी कहते हैं जहां a कोई कांस्टेंट है अगर हमारी इक्वेशन सिम्बोलिकली कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी ए एक्स तो हम d के एक्सप्रेशन का साइड चेंज कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू ई टू द पावर ए एक्स यहाँ पर जो d का एक्सप्रेशन है इसे हम फंक्शन ऑफ d से डिनोट करेंगे अब अगर वन अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ए एक्स हो तो इसे हम ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म कहते हैं और ई टू दावर ए एक्स फॉर्म में जहाँ पर d होता है इसे हम ए से रिप्लेस कर देते हैं और ऐसा करने से फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए अब अगर फंक्शन ऑफ ए ज़ीरो हो जाए तो उस कंडीशन में ये मेथड फेल हो जाती है और अगर मेथड फेल हो जाए उस कंडीशन में हमें डी के इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू डी यानी इस एक्सप्रेशन से हमें मिलेगा टू डी माइनस टू जो कि एफ डे डी को डिनोट करता है और न्यूमरेटर में हम x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इससे हमें मिलेगा x अपॉन टू डी माइनस टू इन ई टू दी पावर ए एक्स इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से और अगर फिर से यहाँ पर ज़ीरो आ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ x की एक पावर बढ़ जाएगी और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को विथ रेस्पेक्ट टू d ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता अब पी आई फाइन करने का सेकेंड रूल है साइन एक्स या कॉस एक्स फॉर्म तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि फंक्शन में डी स्क्वायर मिनिमम पावर है जिस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यानी कि डी स्क्वायर डी क्यूब डी रेस टू पावर फोर एटसेट्रा इन्हें हम वैल्यू दे सकते हैं जबकि केवल डी को हम वैल्यू नहीं दे सकते और इसमें हम पुट करते हैं डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ साइन एक्स या कॉस एक्स दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं और यहाँ पर भी रिप्लेस करने के बाद फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अदरवाइज केस फेल हो जाएगा और केस फेल हो तो वही प्रोसेस रिपीट करते हैं जैसी हमने पिछले केस में की थी यानी न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर को डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना इसे करने के बाद हम अगेन डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं और चेक करते हैं अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है अदरवाइज प्रोसेस रिपीट होगी यहाँ पर यूजली जो मिस्टेक होती है वो डी स्क्वायर को माइनस ए स्कवायर पुट करते वक्त स्टूडेंट्स माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं क्योंकि वो माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये गलत है अब हम पी का थर्ड रूल देखते हैं ये होता है एक्स टू दी पावर एम फॉर्म जहाँ एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है पी फाइंड करने के लिए हम y इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ दी एक्स रेस्टू पार एम लिखते हैं ऐसा लिखने के बाद हम फंक्शन ऑफ़ डी में से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेते हैं और फर्स्ट टर्म यूनिट एलिमेंट हो जाता है तो अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ़ डी के प्लेस पर डी स्क्वायर प्लस डी हो तो उसमें हम डी को कॉमन ले लेते हैं इससे हमें मिलता है वन प्लस डी पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे यानी कि डी प्लस डी स्क्वायर लिख लेंगे फिर डी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वन प्लस डी मिल जाएगा इस तरह का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ डी डिनोमिनेटर में है इसके बाद हम वन अपॉन डी को यहीं रखे रहने देंगे और वन प्लस डी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे यानी कि इनवर्स में जाएगा इन टू एक्स टू दी पार एम और इसके बाद वन प्लस एक्स रेस टू पार माइनस वन कि वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन या फिर अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो तो ये सारे टर्म्स प्लस में आ जाते हैं ये बाइनोमियल एक्सपांशन होता है तो इसे यूज करते हुए एक्स के प्लेस पर यहाँ डी है हम एक्सपांड कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स रेस टू तो एम को ब्रैकेट के अंदर लेने से उस एक्सप्रेशन को हम सिम्प्लीफाई करते हैं यूजिंग डी रेस टू तो एम एक्स रेस टू तो पार एम इज इक्वल टू एम एंड डी रेस टू एम प्लस वन एक्स टू दी पावर एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी कि अगर डी की पावर एक्स की पावर के बराबर है तो जो पावर है वही आंसर होगा और अगर ये पावर बड़ी हो जाती है तो रिज़ल्ट ज़ीरो होगा यानी हायर पावर्स के लिए रिज़ल्ट जीरो होता जाएगा अगर डी की पावर एक्स की पावर से बड़ी है जैसे अगर हमारे पास डी स्क्वायर एक्स स्क्वा है तो उस कंडीशन में इसका आंसर टू आएगा जहाँ पर डी डी बाई डी एक्स को शो कर रहा है और अगर डी बाई डी एक्स हम दो बार करें एक्स स्क्वायर के लिए तो इससे हमें पहली बार में टू एक्स मिलेगा और दूसरी बार डिफ़्रेंशियट करने से टू मिलेगा तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और अगर यहाँ पर डी क्यूब हो जाए तो अगेन हम टू को डिफरेंशियट करेंगे तो वो ज़ीरो होगा तो इसलिए जैसे ही हायर पावर्स आएंगी ये ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से बाइनोमियल एक्सपांशन को यूज़ करते हुए हम x एक्सरेस टू पावर m फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजली एक्सरेस्ट टू पावर m में x क्यूब से बड़े क्वेश्चन नहीं आते अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का फोर्थ रूल है e टू दी पावर एक्स इंटू वी फॉर्म जहाँ पर v फंक्शन ऑफ x होता है इस फॉर्म के लिए फॉर्मूला होता है वन अपॉन फंक्शन ऑफ d e रेस्ट टू एक्स इंटू वी तो e रेस टू एक्स ब्रैकेट के बाहर आ जाता है वन अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस से हो जाता है और इंटू वी रहता है यहाँ पर d को हम डी प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं जहाँ पर a एक्सपोनेंशियल की पावर से लिया गया है जब केवल ई रेस टू ए एक्स फॉर्म होता था तो हम d को a से डायरेक्टली रिप्लेस कर देते थे लेकिन जब ई रेस टू एक्स इन टू वी फॉर्म होता है तब हम d को डी प्लस ए से रिप्लेस करते हैं और सिम्प्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम यूज नहीं करते हैं इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिया है और इसे ब्रैकेट के बाहर रखा है तो यूज़ुअली यहाँ पर मिस्टेक होती है कि अगर आपने इसको सेपरेटेड नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर e टू पावर x का फॉर्म लगा सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन को सिम्प्लीफाई करने के बाद यहाँ पर जो v होगा उसके बेसिस पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे अब यहाँ पर v क्या हो सकता है जो फॉर्म्स हमने पढ़े हैं उससे हम देख सकते हैं कि v की जगह एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता क्योंकि e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू बी एक्स अगर होता तो e रेस टू ए प्लस बी एक्स हो जाता तो हमारा काम e रेस टू ए एक्स फॉर्म से ही हो जाता तो इसका मतलब है v के प्लेस पर या तो साइन एक्स है या कॉस एक्स है या x टू पावर m है तो इनमें से जो भी फॉर्म यहाँ पर आएगा उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट रूल है रूल फाइव इस रूल को हम x इंटू वी फॉर्म नाम से जानते हैं जहाँ पर v फंक्शन ऑफ x होता है तो यहाँ पर x इंटू एनी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए तो अगर इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है तो उसका ये फार्मूला होता है x इंटू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू वी इसका मतलब है x को सेपरेट किया है और v के रूल से हम वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी को सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद माइनस में f डैश डी यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है अपॉन एफ डी का स्क्वायर इन टू वी अगेन हमें इसको v के रूल से सॉल्व करना है अब यहाँ पर v क्या हो सकता है अगर e रेस टू ए एक्स होता तो e रेस टू ए एक्स इन वी फॉर्म बन जाता v की जगह x हो जाता यानी कि ये ई रेस टू एक्स नहीं होगा x रेस टू एम होता तो x में पावर ऐड हो जाती तो इसलिए एक्स रेस टू एम भी नहीं हो सकता और इसलिए इस केस में v की वैल्यू या तो साइन ए एक्स होगी या फिर कॉस एक्स तो हमें इन एक्सप्रेशन को साइन या को साइन ए एक्स के फॉर्म से सॉल्व करना होता है जैसा कि हमने सेकेंड रूल में देखा था अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिक्स रूल है एक्स रस टू एम इन टू वी फॉर्म ये फिफ्थ रूल का ही एक्सटेंशन है जहां पर v फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी हमने एक्स इंटू वी फॉर्म देखा था तो यहाँ पर x की पावर इंक्रीज हो गई है और अगर ऐसा हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सरेस टू एम एक्स इंटू वी की तरह ही सेपरेट हो गया है वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू वी हुआ है फिर नेक्स्ट टर्म में इस एक्सरेस टू पार एम का डेरिवेटिव आया है एम एक्स टू डी पार एम माइनस वन और वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इसका डेरिवेटिव आया है विथ रेस्पेक्ट टू डी इंटू वी सिमिलर मैनर में ये कंटिन्यू हुआ है बट ये फार्मूला इतना इजी नहीं है इसे अप्लाई करना कठिन होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं क्योंकि वी के प्लेस पर साइन या कोसाइन होता है और साइन और कोसाइन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एक्सपोनेंशियल रेस्टू पर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आईसाइन थीटा होता है और अगर यहाँ पर कोसाइन थीटा हो तो हम इसको एक्स रेस्ट टू एम ई रेस्ट टू आई थीटा के रियल पार्ट से डिनोट कर सकते हैं ये कोसाइन थीटा रियल पार्ट है और साइन थीटा इमेजनरी पार्ट है तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल इनटू एक्स टू दी पावर एम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि अल्टीमेटली टू पावर एक्स इंटू वी फॉर्म से सॉल्व हो जाता है तो वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है और एक ही क्वेश्चन से हमें साइन और कोसाइन दोनों के लिए रिजल्ट मिल जाते हैं अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जनरल फॉर्म देखने जा रहे हैं अगर हमारे पास राइट हैंड साइड यानी कि क्यू फंक्शन ऑफ x है लेकिन वो पहले बताए हुए फॉर्म्स में से नहीं है तो इन दैट केस हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो हम फंक्शन ऑफ d को फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं फैक्टर फॉर्म यानी कि लीनियर फैक्टर्स बनाकर इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं यानी अगर हमारे पास रूट्स टू और थ्री आए हों तो इससे हम फैक्टर फॉर्म लिख सकते हैं d माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी के फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स हैं अगर हमारे पास एन है तो डी माइनस अल्फा वन डी माइनस अल्फा टू अप टू डी माइनस अल्फा एन लिखेंगे इन टू क्यू जो कि सेक एक्स टेन एक्स ई रेस टू ई रेस टू एक्स एटसेट्रा हो सकता है ऐसा लिखने के बाद हम उसे इक्वल टू में लिखते हैं ई रेस टू अल्फ़ा एन एक्स इंटीग्रल क्यू इंटू ई रेस्ट टू माइनस अल्फा एन एक्स डी एक्स और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं यानी कि हमने लास्ट वाले फैक्टर को अप्लाई कर लिया है उसके बाद इसे कंटिन्यू करते जाते हैं या फिर हम पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से वन अपॉन डी माइनस अल्फ़ा टाइप के एक्सप्रेशंस में सेपरेट कर लेते हैं इंटू क्यू लिखते हैं इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर जो कि अल्फ़ा यहाँ से आ रहा है इंटीग्रल q इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स डी एक्स और वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं इन सभी रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस में डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूँ हर एक केस को हम डिफरेंट वेराइटीज के साथ डिस्कस करेंगे इस फॉर्म से हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अब नेक्स्ट रूल है ई रेस टू ए एक्स फॉर्म का जिसे हम रूल नंबर एट कह रहे हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ डी डी माइनस ए रेस्ट टू पावर एन इन टू एनी फंक्शन ऑफ डी टाइप का दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में अगर ई टू दावर ए एक्स फॉर्म में डी के प्लेस पर हम ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए एन टाइम्स जीरो हो जाएगा यानी अगर यहाँ पर डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे और यहाँ एन के प्लेस पर स्क्वायर होगा तो केस दो बार फेल हो जाएगा और अगर यहाँ बड़ी पावर हुई तो इसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x रेस टू अपॉन एंड फैक्टोरियल फाइव ए इन टू ई टू दी पावर ए एक्स यहाँ पर फाइव डी में d के प्लेस पर हमने a पुट किया है और d माइनस ए रेस टू पावर एन के कारण हमें x टू दी पावर अपॉन एंड फैक्टोरियल मिला है अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक और स्पेशल केस डिस्कस करने जा रही हूँ जहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का जब q इज़ इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स हो और फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाए यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और केस फेल हो जाएगा तो अगर केस ऑफ फेल्यूर आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास वन अपॉइन्ट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स टाइप का फॉर्म होगा जैसे ही हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पर केस फेल हो जाएगा माइनस ए प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा जब हम इसे यूजुअली डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसा कि हम केस ऑफ फेलर के लिए देख चुके हैं तो उस कंडीशन में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो माइनस एक्स अपॉन टू ए इंटू कॉस ए एक्स होता है यानी साइन ए एक्स वाले एक्सप्रेशन के लिए हमें कॉस ए एक्स मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन एक्स अपॉन टू ए और सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस ए एक्स होता तो हमें पॉजिटिव एक्स पॉइंट टू ए इंटू साइन ए एक्स मिलता है यानी साइन का कॉस और कॉस का साइन तो होता ही है एक्स पॉइंट टू ए फैक्टर आता है और साथ में हमें साइन एक्स के लिए नेगेटिव साइन मिलता है और कॉस एक्स के लिए पॉजिटिव साइन मिलता है तो आप इन दोनों में से किसी एक को याद रख के दूसरे को रिलेट करके याद रख सकते हैं तो इस तरह से हम केस ऑफ फेलियर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं इन्हें आप चाहें तो यूज करें और चाहें तो आप जो अपना यूजुअल प्रोसेस है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो से पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस वन बाय वन डिस्कस करूंगी जिसमें आपको डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग